गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत दिन की। और भाई दिन काफ़ी खूबसूरत है भाई, सुबह से बारिश हो रही थी और सुबह 5 बजे जब हम जगे ऐसी मस्त बारिश मिली ना हमको, मज़ा आ गया। तो भाई सुबह के 5:30 बज रहे हैं और बारिश स्टार्ट हो गई है, स्नोफॉल हो रहा है, मज़ा आ जाएगा। शैम्पू है, मज़ा आएगा स्नोफॉल इस टाइम पे। हाँ तो भाई जन्नत हो जाएगी, लेकिन मैं ठंड के कपड़े नहीं लाया। बोलते मैंने जैकेट वैकेट ले चल, बिजली वो बिजली कट गई भाई। भाई बढ़िया हो रहा बाहर, तो बढ़िया हो रहा ना, मज़ा आ रहा है एकदम। देखिए मस्त नींद आई भाई, गाड़ी में कुछ भी कहो मज़ा आ गया। और अभी भाई अब जग चुके हैं, लगभग 6:30 बज रहे हैं। अभी हम सोच रहे हैं चाय पीने चलते हैं नीचे और अपना खाना वाना जो है हम सोच रहे हैं खुद ही बनाएं। रात में तो हमने वहीं खा लिया था ढाबे पे, और क्योंकि मैंने कहा चलो ठीक है अब क्या बनाएं। शैम्पू ने कहा कि मेरे को रोटी वोटी खानी है, मैंने कहा चल ठीक है भाई, तो फिर वही खा ले रहे। तो भाई अभी हम यहाँ पर अपना पूरा सेटअप बना रहे हैं सोने का। सो सीट फोल्ड कर दिए हैं, बैग यहाँ लगा दिए हैं जो सर के नीचे आएगा। अभी गद्दे को पूरा यहाँ से जो है अनफोल्ड कर देते हैं, और ये जो है इसमें लैपटॉप रहेगा। पहले अभी क्या है, यहाँ पे मार्केट है तो यहाँ कर लेंगे, क्योंकि जहाँ हम गाड़ी लगाने वाले हैं वहाँ जंगल है, तो वहाँ पे अगर निकल के करेंगे तो अभी जानवर का कुछ पता नहीं, लोग कह भी रहे हैं यहाँ भालू भी है लेपर्ड भी है, तो फिर फालतू में क्यों रिस्क लेना। तो यहाँ पूरा सेटअप बना के चलेंगे, वहाँ जाके बस गाड़ी खड़ी करेंगे और अंदर अपचा यहीं से आके चुपचाप यहाँ बैठे, लैपटॉप आराम से खोला, ट्रांसफ़र करी सारी फाइल और आराम से सो जाएंगे जब नींद आएगी, है कि नहीं। यहाँ वैसे भी नेटवर्क आ नहीं रहा, एयरटेल है हमारे पास, जियो की सिम अभी है नहीं। मैंने अपना जैसे जियो में कन्वर्ट करवा लिया, 2-3 दिन में हो जाएगा, यहाँ सिर्फ जियो चलता है। और बाकी अभी कुछ बनाएंगे अपना, और रात में हम इसी टॉप पर रुके। और भाई यहाँ से ना क्या डरावनी आवाज़ आ रही थी, मतलब ये जो है ना ऊपर इसकी जो टीन है, ये जब हवा चल रही थी तो ऐसे फट 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 ऐसे कांप रही थी, और हमने संदूक फोड़ लगा था ना, तो यहाँ से एक डरावनी आवाज़ हो रही है। भाई साहब क्या ये कह रहा, भाई भूत भूत ना आ जाए यहाँ पे। पर भाई मज़ा आ गया है, आज धूप नहीं निकली है, ठंडा है भाई मौसम, लगभग अभी 6-7 डिग्री के करीब टेम्परेचर है, टेम्परेचर बहुत नीचे चला गया है। पर ठीक है, अभी जैकेट वगैरह पहन लिया है, सेटअप दिखा दो, सेटअप तो दिखा ही है सबने, यहीं सोए थे हम रात में। अपना भाई देखो देखो यहाँ साइड से बच के, क्योंकि यहाँ सुसु भी किया था हमने, देखो सही बताया। ठीक है भाई, और कहाँ जाएंगे रात में, जानवर पानवर वहाँ तो नहीं जाएंगे, यहीं करेंगे। तो यहाँ सोए थे भाई, अपना ये सेटअप है पूरा का पूरा जो हमने आपको दिखाया था। बाकी अभी चलो इसे पैक करते हैं, चलते हैं, पहले चाय पीते हैं, ब्रश करते हैं, वहाँ पर हम कोलगेट लाना भूल गए, तो कोलगेट मिलेगी तो वो देखते हैं, और ब्रश करेंगे और क्लोज ताजी सांसे कभी भी मौका मिल सकता ना भाई। पार में कोई भी आ जाए चुम्मा लेने, भालू चीता कोई भी आ जाए, शिकायत नहीं होनी चाहिए किसी को। वो जो कहे कि भाई मजा ही आ गया। आए थे दो मुसाफिर पर मजा ही आ गया, क्लोजअप करके आए थे। अभी हम चाय पीने जा रहे हैं, और अभी चाय पीते हैं और उसके बाद थोड़ा फ्रेश व्रेश होते हैं, उसके बाद अपना जो है ट्रैक स्टार्ट करेंगे। वैसे अभी बारिश का भी लग तो नहीं रहा, क्योंकि अभी सूरज भी दिख गया यहाँ पे, ठीक है, तो बारिश का तो मौसम अभी लगता नहीं कि होगी, बाकी होगी तो देखा जाएगा फिर। भाई चाय पी के आ गए, ब्रश कर लिया क्योंकि हम पे कॉलगेट नहीं था, तो कॉलगेट लेने गए थे और चाय पीने गए थे। अभी हम सोच रहे हैं कि कुछ खाने को बना लिया जाए, तो अपने उसी स्पॉट पे जा रहे हैं,
वहाँ से मतलब ऐसे ही है 5 किलोमीटर ऊपर से ही है 5-6 किलोमीटर। तो साबुन वगैरह लेके आ गए अगर किसी को मतलब जैसे हाथ वाथ साफ करने थोड़ा उस चीज़ के लिए, बाकी अपना खाने का सारा सामान हमारे पास है ही, तो वहीं आराम से कुक करेंगे और बनाते हैं अपना। आज क्या बनाए, खिचड़ी वही ऑप्शन है हमारे पास। वेज खिचड़ी बनाते हैं, बहुत सारी सब्जियाँ रखी, सारी सब्जियाँ डाल देंगे, बढ़िया मस्त बन जाएगी। तो बाहर के खाने से तो लाख गुना अच्छा होता है कि हम खुद घर बनाएंगे ना, मतलब घर का वाला खाना ही होगा, ना कोई ऑयल होगा उसमें, ना कुछ होगा, सब्जियाँ होंगी बहुत सारी और पैसे भी कुछ नहीं लगने, है कि नहीं, ये भी चीज़ है। और एक अलग एडवेंचर भी मिलेगा खाने को, तो वहाँ भी खा लो, इतना कोई महंगा नहीं है, पर ये एडवेंचर कहाँ मिलेगा, यहाँ आए तो ये करना चाहिए यार। तो बस अपनी स्पॉट पे चलते हैं, वहीं जाके फिर शुरू करते हैं अपना खाना खजाना, बयाना करा लिया हमने वहाँ का। हाँ, और पहाड़ों पे XUV700 के एवरेज की बात करें तो भैया 7.4 का दिखा रही है, ये देखो सामने 7.4 किलोमीटर पर लीटर रेंज बची है 221 की। तो लगभग हम वापस तो चले जाएंगे, रुद्रप्रयाग में मिल जाएगा आराम से वहाँ तो फ्यूल, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी यार एवरेज बहुत कम है इसका, ये दिखा रही 7.4 है, तो मुझे लगता है दे तो 6 का ही रही होगी। तो पहाड़ों पे तो भाई अब क्या ही कर सकते हैं, पैसे भी ये बहुत ज़्यादा वैसे हैं, मतलब अगर स्पीड होती 70-80 की तो कोई बात थी कि चलो थोड़ा बहुत तुम तो एक्सपेक्ट कर दो, यहाँ ज़्यादा स्पीड भी नहीं ले सकते, टर्न्स हैं, और फिर जो है अभी हम जो चढ़ रहे थे अभी तो उतरने कोई दिक्कत नहीं है, तो उतार पे तो थोड़ा सा बढ़ सकता है, बाकी ठीक है। मतलब वो ये 6-7 का ही एवरेज है इसका पहाड़ों पर, मतलब अगर ऐसे रोड हैं आपके तो धीरे धीरे स्पीड में चल रहे हो ना 30-40 पर, तो इससे ज़्यादा देगी नहीं है। तो भाई अब हो रही है हमारे खाने की तैयारी, वहाँ पे सब्जियाँ और सैलेड वगैरह सब कट रहा है, और व्यू के साथ मस्त यहाँ पे घर की खिचड़ी बनाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, हेल्दी तरीके से बनाएंगे घर की खिचड़ी। क्या क्या डाल रही है सब्जी में आज? सब्जियों सब कुछ डालेंगे जो है हमारे पास, सारी चीजें डाल देंगे। तो फिर ठीक है, जो है हमारे पास सब कुछ ही है, शिमला मिर्च है, गाजर है, बीन्स है, प्याज है, आलू भी है। आलू तो नहीं डालेंगे क्या? आलू भी डाल दो, सब आलू उबालना पड़ेगा, फिर रहने दो, सब उबल जाता है उसके अंदर ही एक बार, भाई सीटी लगेगी ना सब उबल जाए। खैर शेफ है तुम्हारे साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो फाइनली प्रोसेस स्टार्ट करते हैं बनाने का। तो भैया ये गया इसके अंदर धनिया और हल्दी और मिर्ची मैंने डाल दी है, बाकी थोड़े बहुत मसाले और जो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मेरी स्पेशल रेसिपी है। और इसके ऊपर से एक मैगी मसाला जो कि सबसे बड़ी रेसिपी है। उसके बाद देखते हैं क्या बनेगा। कुकिंग चैनल खोल दिया क्या हमने? यही तो मजा है यार पहाड़ों में एकदम मस्त, वहाँ कहाँ टाइम मिलता है ऐसे कुकिंग करने का, वहाँ तो यार दूसरा ही बना के दे दे क्योंकि अपना इतना काम होता है, यहाँ थोड़ा सा रिलैक्स करने का मन करता है, कोई टावर वावर नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहे, मस्त आराम से कुकिंग करो, कोई भालू कहीं से भी आ जाए कभी भी आके और तुम्हारा खाना खा जाए या तुम्हें खा जाए, क्या फर्क पड़ता है। कचरा नहीं फैलाने का, सारा कचरा एक जगह रखने का, बाकी नमक डालना रहेगा ना, नमक तो बाद में भी कम होगा तो डाल लेंगे ना, थोड़ा सा डाल दो इतने को। अरे डाल दो, मैगी मसाले में भी नमक होता है। तो भाई अभी सारा सामान रख दिया है, मतलब कुकर के अंदर डाल दिया है, मसाले सारे सब डल गए, गैस जला दिया, अभी वेट करते हैं सीटी का, उसके बाद थोड़ी देर वेट करेंगे। खाने का क्या, बिल्कुल तो रेसिपी चैनल थोड़ी है ना, बस जो बन जाएगा वही दिखा देंगे आपको। हाँ आप देखते क्या बनेगा, कैसा बनेगा कुछ पता नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो खिचड़ी है मैं भी पहली बार बना रहा हूँ, ऑमलेट ऑमलेट होता अलग बात है, और ये खिचड़ी विचड़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए, वैसे आसान होती है खिचड़ी बनाना बहुत, पर मैंने आज रहन दे साले, पीले चावल होते ना वो जल्दी बन जाते, क्योंकि उनका अंदाजा है, इसका भी अंदाजा नहीं है। पीले चावल से याद आया, मैंने पीले चावल कैसे बनाने, पुलाव बोलते हैं उनको, पीले चावल नहीं बोलते हम तो, पीले चावल बोलेंगे, तहरी आए अंग्रेज। चलो भाई देखते हैं, येलो राइस देखते हैं, येलो राइस देखते हैं थोड़ी देर में। अभी यार हम ऐसे आज सुबह हमें जल्दी ट्रैक करने आना था, पर लगभग बारिश की वजह से लेट हो गए, उसके बाद अभी खाना वाना भी बन रहा है, कोई नहीं क्या करना ही, आराम से ट्रैक कर लेंगे कहीं, हमें बहुत शांतिपूर्वक धीरे धीरे है, चिलो। अभी हमको जो है यहाँ पे कुछ ये लोग मिले, ये आई थिंक केरला से हैं सारे के सारे, बाकी शिकागो में रहते हैं कुछ, यहाँ रहते हैं, बहुत ही सही बंदे थे। सो अभी अपना ये खाना जो है लगभग बन गया है, तो ये लोग पूछ रहे थे कि क्या है कैसे ट्रैवल कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें बातचीत चल रही थी, इतने में हमारा खाना भी तैयार हो गया। ये सही है कि जब नए लोगों से बात करते हैं तो अच्छा लगता है ना सबके साथ, हमारे भाई के कनेक्शन शिकागो तक नंबर ले लिया इसने, ये कहेगा शिकागो जाऊँगा मैं। चलो अभी रुकना शिकागो में कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अभी खाना वाना थोड़ा और गैस बंद कर दिया, 5 मिनट और रुकते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं खोल के क्या हिसाब किताब है इसका। तो भाई अब सच का सामना करने की जो है वक्त आ चुका है, सच का सामना करते हैं, देखते हैं क्या बनाया हमने। चल जा भाई, देखने में तो सही लग रहा है, देख कुछ तो लग रहा है। ये लो चावल कब बनाए थे हमने? पक तो गया भाई, पक गया
एक दो चम्मच खाते हैं, लगेगा तो दोबारा पका लेंगे। चलो ठीक है, खा के देख लो ना। नीचे हल्का हल्का पानी है पर खिचड़ी है तो ठीक है। हमने खिचड़ी बनाई थी कि येलो चावल बनाए थे? इसमें चावल की बात थोड़ी सी ज्यादा है, दाल घुल गई है, खिचड़ी है पर ये भाई अच्छी लग रही है। इससे ज्यादा सूखी भी अच्छी लगेगी और नहीं लगेगी, और इससे ज्यादा वैसे भी नहीं अच्छी लगेगी। चम्मच लिया, खाना शुरू कर दो। खा के देखो, नमक कम है बस। तो भाई अपनी खिचड़ी रेडी है, अब खाते हैं इस नज़ारे के साथ। अब धूप हो गई है पर अच्छी लग रही है धूप भी, तो अभी जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इसे, और फिर उसके बाद जो बचेगी टिफिन में रख लेंगे, ऊपर ले चलेंगे, उसके बाद चलते हैं ट्रैक पे। हम ऑलरेडी थोड़ा सा टाइम से पीछे हैं पर कोई बात नहीं।